बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के गृह जिले गोपालगंज हमेशा ही अपनी खस्ता हाल सड़क को लेकर चर्चा में बना रहता है। गोपालगंज की सड़कें अब पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं। इसमें बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बारिश के मौसम में गड्ढों में पानी भर जाने के कारण दिखाई नहीं देता और लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। गोपालगंज की जनता जिला प्रशासन ग्रामीण कार्य विभाग और बिहार सरकार से आज तक कई बार सड़क बनवाने की विनती कर चुकी है लेकिन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के बाद सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनता की शिकायतें सुनी। जनता दरबार में लालू प्रसाद यादव के गृह जिले गोपालगंज से आए एक शख्स ने अपनी समस्याएं बताई। फरियादी ने बताया कि आजादी के बाद से उनके गोपालगंज में आज तक सड़क नहीं बनी है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन 70 सालों में कई सरकारें आई लेकिन किसी ने आज तक सड़क नहीं बनवाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विचार किया। इसके बाद नीतीश कुमार ने तुरंत संबंधित को फोन लगाकर गोपालगंज की सड़क का हाल जाना और साथ ही समस्या का निवारण करने का आदेश भी दिया। हालांकि अब देखना यह है कि क्या नीतीश सरकार के कार्यकाल के दौरान भी गोपालगंज की सड़क का निर्माण होता है या नहीं।